सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। मैं जानती हूं आप सभी टॉप नाइन मजेदार खबरों का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और खास तौर पे मैं आप सभी के लिए बॉलीवुड की टॉप नाइन अपडेटेड खबरों से आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। तो फिर बिना देरी किए और आपका सस्पेंस खत्म करते हुए नजर डालिए हमारी इन मजेदार टॉप नाइन खबरों पर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर पिछले 19 सालों से काला हिरन मामले पर केस चल रहा है। गुरुवार को सलमान खान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के मामले में सुनवाई हुई। बता दें हाल ही में ये खबरें आई हैं कि कोर्ट ने बहस के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में न आने के लिए जो बातें कही वो छोटी थी। इसके चलते सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसके चलते सलमान को जेल भी हो सकती है। अगर कोर्ट को गुमराह करने की बात सच निकली तो सलमान को 7 साल की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। बता दें सलमान ने कोर्ट में आवेदन देकर यह बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कान में दर्द है जिसके चलते वो पेशी भी नहीं आ सकते। दोस्तों अगर देखा जाए तो सलमान पिछले सालों से हमेशा ही कोर्ट के द्वारा दी गई तारीख पर हमेशा समय से पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। वह अब देखना होगा कि क्या होता है सलमान खान को लेकर। सलमान खान की बेहद ही चहेती एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली यूलिया वंत जो हमेशा ही खबरों का कारण बनी रहती है, वहीं हाल ही में यूलिया बेहद ही जल्द फिल्म राधा क्यू गोरी मैं क्यू काला में दिखाई देने वाली है। हाल ही में देखा जा रहा है कि यूलिया ने अब मी टू अभियान को लेकर अपनी चुप्पी को भी तोड़ा है। वहीं पर यहाँ पर यूलिया कहती दिखाई दे रही हैं कि मैं इस मुहिम का सपोर्ट करती हूँ। ये एक बेहद ही संजीदा मुद्दा है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की कीमत पर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कई बार इसी तरह लगाए गए आरोपों के चलते किसी भी व्यक्ति की जिंदगी खराब हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर मैं कहूंगी कि किसी भी महिला को अपने साथ हुए इन तमाम आरोपों पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये आवाज बेहतर जिम्मेदारी के साथ ही उठाई जाए तभी ही सही लगती है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में सलमान को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सलमान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने के मामले में विचारधन धारा 340 के दो प्रधान पत्रों पर अवर मुख्य न्यायिक जस्टिस ग्रामीण ने गुरुवार को सुनवाई के बाद बहस के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सलमान की मुसीबत अब बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक आवेदन देकर ये बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कान में दर्द है जिसके चलते मैं पेशी पर नहीं आ सकता। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर सलमान की ये बीमारी झूठी निकली तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का खामियाजा भुगतना होगा। जिस तरह से वो पेशी में पेश नहीं हो रहे उसके चलते उन्हें बड़ी दिक्कत हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह ने हाल ही में अपनी बेटी सारा अली खान के साथ बेहद ही खूबसूरत सी पोस्ट को शेयर किया। जैसा कि आप भी जानते हैं सारा अली खान केदारनाथ फिल्म के जरिए बॉलीवुड में नजर आएंगे। इससे पहले उनकी फिल्म सिम्बा भी आपको नजर आएगी जिसमें रणवीर सिंह उनके ओपोजिट होने वाले हैं। खैर फिल्म की शूटिंग के लिए वो बाहर गई थी। खैर इसी बीच ये खबर आई है कि सैफ अली खान पटौदी ने अपनी बेटी को लेकर किया है कि इंटरव्यू में खुलासा। सैफ अली खान ने बताया है वो अपनी एक्स वाइफ अमृता सिंह की बेटी को जब तक लॉन्च नहीं करेंगे अपनी तरफ से जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मतलब सारा को जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है
तब तक वो अपनी फिल्मों को लेकर अपनी बेटी को अपने घर नहीं आने देंगे, मतलब अलग ही रहेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से पिता सैफ अली खान। सबके सामने ये बात कहकर उन्होंने दिया है जवाब कि सारा की करियर टॉप पर जाए ये तो उम्मीद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को अपने टैलेंट के बदौलत हमेशा काम मिलता रहे। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान अपने बुढ़ापे को अब नहीं छुपा पा रहे। अगर आप सभी देख रहे हो तस्वीरें तो आपको शाहरुख खान के चेहरे की ये तस्वीरें, ये झलक जरूर रुला सकती है, जिसमें वो नजर आए हाल ही में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, किंग खान जो कि नजर आए मीडिया की भीड़ में फैंस की भीड़ से बचते हुए लॉक से हार लॉन्ग से बाहर। सुपरस्टार शाहरुख खान जिसे डिजाइन किया था उनकी वाइफ गौरी ने, इस हार लॉन्ग से बाहर निकलते शाहरुख तो काफी खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो साफ बात सामने आ गई है कि इस तरह से वो अपने बुढ़ापे से नहीं बच पा रहे हैं। उनकी जो ये हालत होने लगी है वो 50 की उम्र को क्रॉस करने के बाद का ही एक सच है जिससे कोई भी नहीं बच पाता। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान जो इन दिनों अपनी र्यूमर गर्लफ्रेंड यूलिया संग रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में है, ये तो आप सभी जानते हैं कि सलमान की जिंदगी में कई लड़कियां आई, लेकिन सलमान खान का नाम इन दिनों यूलिया वेंटूर के साथ जोड़ा जा रहा है। तो वहीं हाल ही में इन दोनों को एक साथ एक ही गाड़ी में स्पॉट किया गया। दरअसल ये दोनों आयुष शर्मा यानी कि सलमान खान अपने जीजा आयुष शर्मा की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, जहाँ पर एक ही गाड़ी में यूलिया वेंटूर भी नजर आई थी। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। अरे बार बार भाई ए भाई इधर आओ यार। सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, आगे सलमान भाई, यहाँ पे सलमान भाई, सलमान भाई सामने भाई, अमन सर, सलमान सर, मैम चलो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायरेक्टर करण जौहर इन दिनों अपने टॉक शो कॉफी विद करण को लेकर खूब चर्चा में हैं। तो वहीं अब खबर सामने आई है कि इस शो में दो दुश्मनों का आमना सामना होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दुश्मने कौन है, तो ये कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर है। खबरों की माने तो करण जौहर अपने शो में इस बार एक जमाने में एक दूसरे की दुश्मन रही करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा को एक साथ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों की माने तो करण की इस वक्त दोनों ही एक्ट्रेसेस से शो में आने के लिए बातचीत चल रही है। करण चाहते हैं कि दोनों को वो शो पर एक साथ बुलाएं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर खूब चर्चा में हैं। तो वहीं हाल ही में आमिर से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उन्हें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से खुलेआम माफी मांगनी पड़ी। दरअसल बता दें, आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए एपिसोड के लिए शूटिंग पूरी कर ली है। तो वहीं आमिर खान ने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताया कि उन्होंने बिग बी के साथ कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग खत्म की है और उन्हें काफी मजा आया। आमिर खान ने अपने ट्वीट में ये जानकारी देने के साथ साथ बिग बी से माफी भी मांगी। आमिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज दिन कितना मजेदार रहा, मैंने बिग बी के साथ अभी अभी कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग खत्म की है और मुझे बहुत मजा आया। सर, मैं आपसे अपनी फरमाइशों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर विकास बहल #MeToo में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो वहीं ये तो सभी जानते हैं कि एक महिला और विवादित क्वीन कंगना रनौत ने
विकास बहल के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी बात से कंगना रनौत की खुशी का कहीं ना कहीं ठिकाना नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि भाई अब कंगना रनौत जीतती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, दरअसल विकास बहल पर शोषण के आरोप लगाने वाली महिला ने अपने एफिडेविट में कहा है कि वो सभी आरोपों पर कायम है। महिला वही है जिन्होंने एक इंटरव्यू में विकास बहल पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। दुर्व्यवहार का मामला गोवा में बॉम्बे वेलवेट 2015 के प्रमोशन टूर के दौरान का है और महिला अपने बयान पर टिकी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि वो सभी आरोपों पर कायम है। वेल 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 दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 9 खबरों से रूबरू करवाया। ये वो खबरें हैं जो इस वक्त टॉप 9 पोजीशन में अपनी एक खास जगह बना चुके हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इन टॉप 9 खबरों की चर्चा खूब जोरों से हो रही है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, इस प्रोग्राम का अब वक्त हो गया है यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी ऐसी ही टॉप 9 मजेदार तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।